दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ स्टेडियम 1,10,000 दर्शक देख पाएंगे मैच। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम को पछाड़ा। अहमदाबाद में तैयार हुए दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरण रिजिजू और राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल मौजूद रहे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि स्टेडियम में खास क्या है। क्रिकेट मैदान के साथ 63 एकड़ में फैले इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी और टेनिस का मैदान, इंडोर और स्पोर्ट्स हॉल, आउटडोर फील्ड, वेलड्रम, स्केटिंग के एरिया के बीच वॉलीबॉल, बैटिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 76 वातानुकूलित कॉरपोरेट बॉक्स हैं। अहमदाबाद का ये स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है। इसे बनाने में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। खिलाड़ियों के लिए खास ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए हैं, जिसमें जिम भी है। एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम वाला ये दुनिया का पहला स्टेडियम है। खिलाड़ियों के लिए इंडोर और आउटडोर प्रैक्टिस का भी इंतजाम किया गया है। मैदान का ड्रेनेज सिस्टम बेहद शानदार है। बारिश बंद होने के आधे घंटे बाद ही मैच दोबारा शुरू किया जा सकता है। इस स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 दर्शकों की है। साथ ही इस स्टेडियम में 3,000 से ज्यादा खिलाड़ियों के रहने और ट्रेनिंग की व्यवस्था है। अब आपको ये भी बताते हैं कि दुनिया में 10 बड़े कौन से स्टेडियम हैं। पहला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस स्टेडियम में 50 से ज्यादा कमरों के साथ एक क्लब हाउस, 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, 4 ड्रेसिंग रूम और क्रिकेटरों के लिए 3 अभ्यास मैदान, एक इंडोर क्रिकेट प्रशिक्षण अकादमी, एक ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल, एक पार्किंग क्षेत्र है जो लगभग 3,000 चार पहिया वाहनों और 10,000 दो पहिया वाहनों को पार्किंग दे सकता है। दूसरा, मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड अपने 1,24,000 दर्शक क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था, जिसमें बैठकर क्रिकेट देखने का एक अलग ही रोमांच है। क्रिकेट के इतिहास का पहला टेस्ट मैच इसी स्टेडियम में खेला गया। तीसरा, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन को भारतीय क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है और ये भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच 5 से 8 फरवरी 1934 को टेस्ट मैच के रूप में आयोजित किया गया था। चौथा, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। भारत के भूतपूर्व क्रिकेट कप्तान सुनील गावस्कर ने इस स्टेडियम को विश्व के बेहतरीन स्टेडियमों में से एक बताया है। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच 2010 में कनाडा की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और छत्तीसगढ़ रणजी टीम के बीच अभ्यास मैच के रूप में आयोजित किया गया था। इस स्टेडियम में अब तक किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन नहीं किया गया है। पांचवा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। हैदराबाद में स्थित इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच 12 से 16 नवंबर 2010 को टेस्ट मैच के रूप में आयोजित किया गया था। यह स्टेडियम आईपीएल टीम सनराइज हैदराबाद का होम ग्राउंड है। छठा, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित इस स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल मैचों का भी आयोजन किया जाता है। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच 7 नवंबर 2017 को T20 मैच के रूप में आयोजित किया गया था। सातवां, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। केरल के कोची में स्थित इस स्टेडियम का प्रयोग क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल मैचों के आयोजन के लिए भी किया जाता है। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 अप्रैल 1998 को वनडे मैच के रूप में आयोजित किया गया था। आठवां, वीडीआई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम। नवी मुंबई में स्थित इस स्टेडियम का प्रयोग भी क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल मैचों के आयोजन के लिए किया जाता है। इस स्टेडियम में अब तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन नहीं हुआ। इस स्टेडियम में 2008 और 2010 के आईपीएल का फाइनल मैच आयोजित किया गया था। नौवा, एडिलेड ओवल। अपने ओवल अर्थात अंडाकार आकार के कारण इस स्टेडियम को ओवल कहा जाता है। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 12 से 16 दिसंबर 1884 को टेस्ट मैच के रूप में आयोजित किया गया था।
दसवां डॉकलैंड स्टेडियम, मेलबर्न में स्थित डॉकलैंड स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों का भी आयोजन किया जाता है। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 16 अगस्त 2000 को वनडे मैच के रूप में आयोजित किया गया था। हालांकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पिछले साल तब ज्यादा चर्चा में आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन वहां किया गया था। इस स्टेडियम को बड़ा बनाने का आइडिया नरेंद्र मोदी ने उस वक्त दिया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने स्टेडियम को रिनोवेट कराने के बजाय इसे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए कहा। इस स्टेडियम को बनाने में करीब 2.5 साल का वक्त लगा, जिसका काम 2019 को खत्म होना था, लेकिन आखिरकार 2020 फरवरी में इसका काम खत्म हुआ और कोरोना संक्रमण की वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके बाद आज का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।